जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। अभी हम बात करेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई F-18 सुपर हॉर्नेट के रिगार्डिंग, उसमें हमने सिर्फ अमेरिका के उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नज़र डाली जिसके तहत वो भारत को अपना F-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि F-18 सुपर हॉर्नेट किस प्रकार से भारत को ऑफर किया गया, लेकिन आज के अपने इस वीडियो में कुछ जरूरी डिटेल के साथ हम उस नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अमेरिकी फाइटर जेट को लेने से अब हमें हो सकता है। और ये काफ़ी रेयर केस है कि अगर ऐसा होता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो आइए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में पूरा मामला क्या है। अब आपको पता ही होगा कि एरो इंडिया 2021 में अमेरिका की बोइंग ने कुछ बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके F-15EX को अमेरिका से लाइसेंस मिला भारत को बेचने के लिए, तो लगे हाथ उन्होंने अपना F-18 सुपर हॉर्नेट भी भारत के समक्ष रख दिया। खास बात यह है कि अगर हम बात करें MMRC 2.0 की, तो उसमें बोइंग अपने आप को एक प्रबल दावेदार मानता है और इसके तहत उसने अपने दो काफ़ी उन्नत प्लेटफॉर्म भारत के सामने रखे। पहला था F-15EX और दूसरा था F-18 सुपर हॉर्नेट। F-15EX की अगर हम बात ना करें तो F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के जो ऑफर हैं वो काफ़ी खास हैं। बोइंग ने कहा कि हम इस समय हर कंटेंडर से अलग कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं भारत को, जो भारत अगर सेलेक्ट करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, और वो था F-18 सुपर हॉर्नेट। F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के जरूरी डिटेल भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी तीनों के समक्ष रख दी गई हैं। अब F-18 को लेकर के बोइंग ने यह भी कहा कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो भारत में F-18 सुपर हॉर्नेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बोइंग ने ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम से हाथ मिलाया हुआ है, और यही वो दो कंपनियां होंगी, पब्लिक और प्राइवेट, जो इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगी। बोइंग ने यह भी कहा कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे जो ना सिर्फ मौजूदा फाइटर जेट के जो डेवलपमेंट है उस पर भी बोइंग सहायक होगा। अब कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट कैसा है, इसके ऑफर क्या हैं और भारत को इसे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। पहला नंबर, F-18 सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको मैकडोनल्ड डगलस ने बनाया था। दरअसल मैकडोनल्ड डगलस ने F-18 हॉर्नेट को बनाया था, बाद में इसके फ्यूजलाज को बड़ा किया गया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ अपग्रेड किए गए और नाम रखा गया F-18 सुपर हॉर्नेट। इस समय अगर हम इसकी बात करें तो बोइंग इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसने सन 1991 में अमेरिका के F-14 टॉमकैट को रिप्लेस किया था, क्योंकि US गवर्नमेंट ने बढ़ते प्राइस इश्यूज के कारण F-14 टॉमकैट को खरीदने से मना कर दिया था, और उसी बात यहाँ पे F-18 हॉर्नेट्स की एंट्री हुई थी। इस समय अगर हम बात करें तो F-18 सुपर हॉर्नेट का जो Block 3 वेरिएंट है वो सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट है, और इसका जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल है वो टैक्टिकल मिशंस में किया जाता है, जैसे कि एयर सुपियोरिटी, डे एंड नाइट स्ट्राइक, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को हम फायर करना, फाइटर स्क्वाड, क्लोज एयर सपोर्ट और एनिमी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करना, मैरिटाइम स्ट्राइक, रिकॉनसेंस और भी दूसरे जो मिशंस है उनकी पूर्ति के लिए इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बोइंग की वेबसाइट की बात माने तो F-18 सुपर हॉर्नेट ना सिर्फ भारत को एक एज डिलीवर करेगा बल्कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी भारत को काफ़ी उन्नत रखेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनमें इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसका पूरा एक अध्ययन किया है, और ये भारत को इतना ज़्यादा एडवांटेजियस होगा कि ना सिर्फ भारतीय वायुसेना के पायलट अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे बल्कि US गवर्नमेंट के साथ साथ US नेवी के साथ भारत के जो संबंध हैं वो और निखर के आएंगे। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने ये दावा किया कि बाकायदा उन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का पूरा सिमुलेशन तैयार किया है और उसके तहत उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट से जो इसकी जंप ट्रायल है उसको भी पूरा किया है, और पूरी तरीके से F-18 सुपर हॉर्नेट अब इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उससे ऑपरेट करने के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ना सिर्फ भारतीय नौसेना को अपना फाइटर जेट दे रहे हैं बल्कि इससे कुछ नए जो आयाम हैं वो भी खुलेंगे, और ये आयाम होंगे और अच्छी वेपन्स को इस्तेमाल करने के,
सटीक स्ट्राइक करने के और वो कमियां जो MiG-29 में थी उनको दूर करने के। इस समय अगर हम बात करें तो बोइंग के जो F-18 सुपर हॉर्नेट हैं इनमें से कई देश इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अगर ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की बात करें तो वो तकरीबन 24 सुपर हॉर्नेट को ऑपरेट करते हैं, कुवैत ने 28 के ऑर्डर दिए हैं। वहीं अब भारत के सामने भी जो 114 फाइटर जेट की खरीद है उसमें बोइंग ने अपने इन एयरक्राफ्ट्स को पेश किया है। तो अब आइए बात करते हैं कि क्यों हमें भारत या भारतीय नौसेना को, भारत सरकार को ये जेट नहीं लेने चाहिए, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। और ये जो हम बात करने वाले हैं ये अभी तक अमेरिका ने जिन देशों के साथ जैसा किया है उसको आधार मान करके हम कर रहे हैं। बेशक ये बात सही है कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर भारत इसको ले तो अभी कोई खास सेंस नहीं बनता, क्योंकि US भारत को कभी अलाउ नहीं करेगा अपने कोड्स को कस्टमाइज़ करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को कस्टमाइज़ करने के लिए। यानी भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि जब F-18 सुपर हॉर्नेट आएगा तो उसके कस्टमाइजेशन में हर बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी, और रशियन वेपन को इंटीग्रेट करने पर भी संदिग्ध ये स्थिति रहेगी कि क्या अमेरिका अलाउ करेगा रशियन वेपन को अपने कंप्यूटर्स से ऑपरेट करने के लिए। तो पहली दिक्कत तो ये थी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस प्रकार अमेरिका लगातार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद में, ऐसे में क्या भारत इन धमकी F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा दिखाएगा, ये भी अपने आप में एक संदिग्ध बात है। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस एयरक्राफ्ट की कुछ इनिशियल डिटेल्स को कैरी कर सकता है, तो ये डर अमेरिका के पास रहेगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है तुर्की और अमेरिका के बिगड़े संबंध। अमेरिका ने तुर्की को F-35 सिर्फ इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि तुर्की रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। रही बात अगर हम F-35 की बात कर लें तो F-35 जो कि अमेरिका का 5th generation फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो पहली बार भारत को ऑफ़र भी किया गया था और उसको विचार किया जा रहा है ऑफ़र करने के लिए, चाहे बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट हो या F-35 हो, कोई भी जो US प्लेटफॉर्म है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे अगर भारत रशियन एयर डिफेंस सिस्टम लेता है। सबसे खास बात ये है कि मान लीजिए अगर भारत ने F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह F-35 को ही ले लिया तो क्या भारत के लिए वो फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल नहीं। F-35 का अगर हम मेक इन इंडिया वेरिएंट भी ले लेते हैं या अमेरिका से उसको ख़रीद भी लेते हैं तो F-35 में सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि उसमें सिर्फ US मेड हथियारों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, और जो उनके सोर्स कोड हैं उनको अमेरिका प्रोवाइड ही नहीं करवाएगा किसी प्रकार के अपग्रेड करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक समस्याएं हैं जो भारत को फेस करनी पड़ेंगी। सबसे खास बात ये है कि जैसे ही अगर प्रतिबंध लगता है भारत के ऊपर तो जो डिफेंस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ऐसे में अगर भारत F-18 सुपर हॉर्नेट ले भी लेता है तो इनकी जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो कैसे भारत इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त रहेगा कि अमेरिका उसे धीमी नहीं करेगा या बंद नहीं करेगा? तो ये कुछ बड़े सवाल भी हैं जो इस डील को थोड़ा कमज़ोर करते हैं। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।